क्वेश्चन बोले थे वो आए थे। हाँ मैम आए थे एक दो। देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, जिन लोगों ने क्लासे लगाई होंगी, जब हमने स्टार्टिंग में एपीजीपी का चैप्टर की रिवीजन प्लान करा था, आपका जो बूट कैंप था, उसमें मैंने क्वेश्चन बोला था आप लोगों को। आप लोगों को शायद याद होगा, इट वाज अ क्वेश्चन कि भी कॉमन टर्म का क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करके चलना आएगा। जिन्होंने 27 को फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर दिया था, उनको तो क्वेश्चन दिखा था, है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही आए थे। पेपर्स तो काफी क्वाइट इजी थे, इट्स नॉट टफ। मैथ्स थोड़ा लेंथी था, बट अगर अच्छे से प्रैक्टिस करी हो तो यू गाइस कैन क्रैक। क्या कहते हो? यस मैम। तो क्या फिर अभी बोर्ड्स टारगेट हो गए हैं? यस मैम। तो जब मैंने आपको क्लास का रिमाइंडर भेजा, तो मैंने आप लोगों को एक चीज मेंशन करी थी कि भाई अब मैं आपको 100 क्वेश्चंस ऐसे वाले बताऊंगी जो आपको लगेगा कि भाई इनको तो एक्सपेक्टेड है ही है कि ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो बस मुझे इतना बता दीजिए, क्योंकि क्लास विल लेट अकॉर्डिंग टू यू गाइस, तो अपनी राय पहले बता देना कि आप क्या चाहते हो, क्लास टीचर के ओरिएंटेड चले या आप लोगों के ओरिएंटेड चले। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि भाई अब वो टाइम नहीं रहा कि हम मैं आपको एक एक टॉपिक कराऊंगी। एग्री यस मैम। है ना? क्योंकि अभी तो आप लोगों को ही अपना सिलेबस पढ़ना है। जब आप मिक्स्ड क्वेश्चंस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई हाँ मेरे को ये क्वेश्चन कम आता है, इस टॉपिक में मेरे को प्रॉब्लम है, तो मुझे इसी पे फोकस करना है। राइट एवरीवन? यस मैम। सो बी कॉपरेट। थोड़ा 10-15 पेपर एग्जैक्टली कब से आपके? मैम 1 मार्च। अच्छा, 1 मार्च से, मतलब फेब्रुअरी आपका क्लासेस चलेंगी। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीक आपकी क्लासेस मेरे साथ रहेंगी, नेक्स्ट वीक क्लासेस हर्षी सर के साथ रहेंगी। ठीक है? यस मैम। ओके। तो इस वीक हम, मतलब पहले मैंने यही बोला है कि भाई हम 100 क्वेश्चंस वो करेंगे जो हमें लग रहा है कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, कैसा कैसा पैटर्न आता है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जब वो 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, देन यू गाइस विल टेल, आप लोग मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना कि मैम हमें इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, हमें लग रहा है कि ये टॉपिक हमें थोड़ा कम आता है, तो क्यों ना हम इसी टॉपिक के बेसिस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। राइट? ठीक है ना? यस मैम। ओके, तो गुड गुड इवनिंग। सो लेट गेट स्टार्टेड एवरीवन। इवनिंग। यस ठीक है, मैम। तो कोशिश करिएगा कि सबके माइक्स चलें, सब अपना 100% रिस्पॉन्स। सो हाउ वाज योर एग्जाम्स एवरीवन? जैसे जैसे नए नए बच्चे जो आने, पेपर तो बहुत इजी आए थे, बहुत इजी थे, राइट? फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान लगी, मैथ्स थोड़ा टफ लगा, लेंथी था। हाँ, मैथ्स लेंथी होता है, हमेशा ही लेंथी होता है, लेकिन भाई मैक्सिमम बच्चे, अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो जितने बच्चे मेरे कनेक्ट में हैं, अवंती के नहीं, मतलब विदाउट अवंती ऑल्सो, तो मतलब हमारे एरियाज में तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 75 के 75 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आए हैं। हाँ केशव, मतलब यहाँ पे जो हमारा टारगेटेड रहा है, मतलब 65 तो वो बच्चे रही हैं जिन, मतलब 65 तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बच्चे करके ही आए हैं, मतलब वो 25-25 फिजिक्स केमिस्ट्री के करके आए हैं, 15 क्वेश्चन मैथ्स के भी करके आए, मतलब 65 तो सीधे ही हो गए ना। अगर उसमें भी आप मान के चलोगे कि भाई 3, 4, 5 भी गलत हो जाएंगे, तो आप सोचो कितना वेटेज आएगा उनका, है ना? तो आपको ये पता चल गया कि भाई हाँ अगली बार का पेपर कैसा आएगा, हमें कैसा फ्लो रखना है, किस तरह से करना है। कुछ क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को बताए गए थे, वो क्वेश्चन आए भी, एपीजीपी का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताया गया था कि भाई कॉमन टर्म के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन एपीजीपी में से पूछे जाते हैं और 2 ही पूछे गए हैं हर पेपर में, राइट? 2 एपीजीपी में से पूछे गए हैं, 2 वेक्टर्स में से पूछे गए हैं। तो थोड़ा एनालिसिस करिए, जैसा जैसा टीचर आपको बताते हैं उसको फॉलो करिए। और आपको लोगों को ये बात बताई गई थी कि किस चैप्टर पे फोकस करो, किसको छोड़ दो, राइट?
चलो होप फॉर द बेस्ट, अभी फिर से आएगा, फिर से अटेम्प्ट है अप्रैल में, तो उस पर फोकस कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस वीक क्लासेस मेरे साथ रहेंगी, नेक्स्ट वीक हर्षी सर के साथ रहेंगी, ठीक है? ठीक है जी। तो अभी मतलब मेरा टारगेट वही है कि 2 दिन में मेरे को, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी 2 क्लासेस में, कुछ आज कुछ अगली वाली क्लास में, तो आप लोगों को एग्जैक्ट सिनेरियो पता चल जाएगा कि बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछता है और मुझे कौन सा चैप्टर कम आता है। तो इट्स विल बेटर वे खुद को एनालिसिस करने का, सही है ना? क्लियर? तो लेट मी शुरू करें। सबको स्क्रीन विजिबल है? मैं ऑडिबल हूँ? यस मैम। तो ये कुछ आपका पैटर्न रहता है सब, आप लोगों के पास सीबीएसई बोर्ड है या कौन सा बोर्ड है? मैम एचपी तो एचपी बोर्ड का पैटर्न भी सेम ही रहता है, क्योंकि आगे सारे बोर्ड्स का पैटर्न सेम हो गया अब तो। क्या आप लोगों को भी एमसीक्यू आते हैं? अब किस मैम हो गए मैम? यस मैम, पर 16 आते हैं। हाँ मतलब वो 2-3 नंबर आगे पीछे तो इट्स ओके। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर आएंगे, फिर कुछ केस स्टडीज भी आएंगी। केस स्टडी नहीं आती शायद, 12 एमसीक्यू आएंगे और बाकी जो होगा, मतलब फिजिक्स के बता रहा हूँ उसका ही पता चला आज ना, तो 12 एमसीक्यू होंगे और बाकी थ्योरी वाला पार्ट होगा। थ्योरी वाले पार्ट अब कम आएंगे हमें। कितने आएंगे? 12 एमसीक्यू आएंगे, 12 एमसीक्यूज। अच्छा 12 M, चलो हम नया पैटर्न आई विल सी आउट, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि आपका। मैं आपको कुछ बोर्ड के क्वेश्चन दिखाती हूँ, क्योंकि थिंग इज दैट कि ये ना मतलब एक एक्सपेक्टेड होता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, वो आपका स्टेट बोर्ड हो, क्वेश्चन का लेवल हर बोर्ड में सेम रहता है, राइट? मैं ये पीडीएफ आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर दूंगी, लेवल तो सेम ही रहेगा, एमसीक्यूज तो आने ही है, ठीक है? तो ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हो कि मैम इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? डिग्री पूछी है। डिग्री पूछी है, तो डिग्री के लिए सबसे पहले मुझे ऑर्डर देखना होता है। यस मैम। तो इसका आंसर क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 1 1 1 3 ओके, 1 और 3। तो बच्चे आपने कैसे सोचा? अब सबसे पहले इसका ऑर्डर, ऑर्डर कितना है? 2। उसी ऑर्डर वाले का पावर देखो कितना है, 1 1। तो वही डिग्री होगी। क्या मैंने सही बोला या मैंने गलत बोला? मैंने हाईएस्ट पावर देखी बस। ठीक है, तो मतलब बात समझ आ गई। सबसे पहले का क्वेश्चन ऑप्शन ए आ जाएगा बच्चों। यस मैम। नेक्स्ट देखिए, अब ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ गया? कॉन्टिन्यूटी से आ गया, राइट ना? सो आई नीड योर पार्टिसिपेशन। आप लोगों सबने जेई की प्रिपरेशन करी है, ये चीजें तो आपको बहुत सिंपल लगेंगी, राइट? और आपका तो और भी आसान आएगा, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट करें, मुझे आंसर बताइए।
या सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा यहाँ पे मेरे यहाँ पे ना लाइट नहीं है सुबह से, तो शायद इसलिए वो लैपटॉप जिस पे प्लग पे चार्ज था ना वो भी बंद हो गया। ओके एक सेकंड, में स्क्रीन फिर से आपको शो करती हूँ। ऑडिबल हूँ ना मैं? यस मैम। ठीक है, तो स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। तो भी फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, हमें पता चल गया था कि इसका जो ऑर्डर है वो मेरे पास अगर 2 है तो उसकी पावर देखना है मुझे, राइट हैरी? तो अंकिता वो डिग्री 1 आई तो मेरा आंसर ए आएगा ऑप्शन। यस मैम। तो सेकंड वन आप लोग अटेम्प्ट कर रहे थे, तो बी क्विक अटेम्प्ट करिए, मुझे बताइए। कुछ आंसर्स मिलने शुरू हो गए, आई गेस। ओके तो केशव का आंसर आ गया, अंकुश का आंसर आ गया, रेस्ट एवरीवन बी पार्टिसिपेटिव। बी है मैम। ओके तो बी सबका बी है बच्चे। यस मैम। तो बच्चे जो आपका नया पैटर्न है, जो आपके पेपर होने वाले हैं ना, जो आप लोग बोल रहे थे कि भाई हमें नहीं पता, मैथ्स में तो 16 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, मुझे एक बार कंफर्म भी कर दीजिएगा कि शायद आप लोगों ने स्कूल में देखे होंगे पैटर्न, आपको पता होगा प्री बोर्ड्स हुए होंगे आपके। यस मैम, 16 ही आएंगे। नहीं होंगे प्री बोर्ड क्या होने अभी मैम ने अपना बना हमारे नहीं होंगे प्री बोर्ड और ना ही होंगे पैटर्न वैसे। तो ये देखिए कुछ ऐसा होगा, 16 MCQs आएंगे, फिर आपके 17 से 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे। कितने क्वेश्चंस हो गए ये? 8 मिनट में आपको MCQs चेक करके बताती हूँ कि कितने आएंगे और कितने नहीं। ये मेरे पास तो यही नहीं है, 9 क्वेश्चन होंगे हम लोग। MCQs पहले आते थे 16, अब बोल रहे हैं कि कम ही आएंगे। 24 का ही पैटर्न मैं देख रही हूँ बच्चे। मैम पता नहीं, बट मैम बोल रहे थे ना टीचर की कम आएंगे अब हमें ना MCQs वगैरह। अच्छा मैम रुको, नहीं तो मैं चेक करती हूँ। अब देख लो, वैसे मतलब मेरे पास तो यही है जो नया पैटर्न है। सिक्सटीन ही आएंगे डियर। 2 मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स के आएंगे, 4 मार्क्स के आएंगे। आई गेस 4, 3, 4, 5 वाला भी पैटर्न चेंज हो गया आपका। तो आप लोग एक बार मुझे भी कंफर्म कर दीजिए, ठीक है ना? तो अपन देखते आगे बढ़ते क्वेश्चंस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बोलो, बी आया सबका? क्या कहते हो, बी आया? हाँ जी बी है। यस मैम। आपने क्या करा होगा, आपने बोला होगा कंटिन्यूअस है, तो भाई 3 × 15 - 8 जो है वो 10 के बराबर होगा, 2k के बराबर होगा, राइट? यस मैम। तो 7 = 2k, तो k की वैल्यू सबके पास 7/2 आई डियर बच्चा पार्टी, जाने की ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यस मैम। नेक्स्ट बताइए।
हाँ जी बनी बात। क्या कहते हो? हाँ जी बच्चों आंसर आए हो? करेक्ट आंसर। बना किसी का? यस डियर आंसर आया। मैम ए ऑप्शन लग रहा है। ओके सॉल्व किया। मैम जेई के तरीके से पुट किया। अच्छा तो बच्चों देखो ए ऑप्शन तो करेक्ट आंसर नहीं है। किस किस को याद है कि ए क्यूब का डिटरमिनेंट जाने कि ए डिटरमिनेंट का क्यूब होता है? याद आया? जो कि यस मैम 3 की पावर 3 के बराबर है। तो इट मींस मेरे पास ए डिटरमिनेंट डियर स्टूडेंट 3 के बराबर आएगा। और अगर इसका मैं डिटरमिनेंट निकालने जाऊंगी तो अल्फा स्क्वायर -4 आएगा जो कि 3 के बराबर है। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 7 आएगी। तो अल्फा की वैल्यू +√7 आएगी या नहीं? तो ऑप्शन डी करेक्ट आना चाहिए था। तो सबको बात क्लियर है? किसी को भी डाउट? क्वाइट सिंपल था। मैम क्लियर है। मैम एक बार फिर से समझाओ। हाँ अंकिता देखो हम लोगों ने जब डिटरमिनेंट पढ़ा था तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए की पावर एन का डिटरमिनेंट वो चाहे ए डिटरमिनेंट की पावर एन होता है। ठीक तो मैंने इसको एज इट इज लिखा और मैंने देखा कि भाई 27 है इसको 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ। तो ए डिटरमिनेंट 3 के बराबर आया। यस मैम। तो आपने इसका डिटरमिनेंट लिया मैट्रिक्स का। अल्फा स्क्वायर -4 बनेगा जो कि 3 के बराबर है। तो अल्फा स्क्वायर 7 हो गया। अल्फा की वैल्यू +√7 हो गई। बच्चे यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजिबल मतलब अब आपको ये लग रहा है ना कि भाई अभी कई बार हम इतने मुश्किल क्वेश्चन करने लग जाते हैं और हमें लगता है आसान तो हमसे हो ही जाएंगे और हम आसान में ही फंस जाते हैं। फटाफट से मतलब खुद का अब माइंड सेट हमें बोर्ड की तरफ करना होगा। तो उसी तरीके से सोचिए और उसको करिए। ठीक है ना? टीचर यहाँ पे सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए। तो बी फोकसली करिए। अगर डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए। और अपने आप को कमिट करिए। अपने आप को प्रॉमिस करिए कि भाई मैंने कोई बेईमानी नहीं करनी है। मैंने हर क्वेश्चन को करना है। मैंने हर क्वेश्चन को जो क्वेश्चन अब मेरे को मैम क्लास में करा के चली जाएगी मेरे पास दोबारा से पीडीएफ आएगी तो उस क्वेश्चन को मैंने दोबारा लगाना है। बात समझ आई ना? यस मैम क्योंकि अभी तो फिर अभी वो भी होगा कि 80 में से 80 स्कोर करना है। कितने बच्चों को 80 में से 80 स्कोर करना है? चलो दो। अच्छा 6 को करना है। बस 6 को ही करना है ना? 6 को टारगेट लेके चलूं? अच्छा और भी है? ओ माय गॉड। अच्छा सारे ही होंगे? अच्छा देखो मैं तो करवा दूंगी। सिंपल सी बात है। मेरे लिए बात टफ नहीं है। आप लोगों का 100% एफर्ट चाहिए कि आप लोग कितनी ईमानदारी से करते हो। सिंपल सी बात है। खुद से कमिट करो मैं करवा दूंगी। क्योंकि देखो मैं आज ही आप लोगों को 50 से 60 क्वेश्चन भेजूंगी। अगर आप लोग उसको करके मतलब आज से एक नोटबुक लगा लो मोटी नई नोटबुक लगाओ और उस पे करो और जो डाउट होता है ना उस डाउट वाले फोटो मेरे को भेजना। देन द थिंग्स विल वर्क। हाँ मैं तो एनसीईआरटी भी कर रहा हूँ सॉल्व। तो अच्छी बात है। आप एनसीईआरटी भी करो क्योंकि एनसीईआरटी तो आपने ऑलरेडी कर रखी है। एनसीईआरटी का चैप्टर बाय चैप्टर। क्योंकि ये जो मैं आपको 100 क्वेश्चन भेजूंगी ना 100 क्वेश्चन आने के आज तो मैं 50 भेजूंगी।
आप लोग इसके लिए कॉपी लगाओ और कॉपी पे सॉल्व करना। जो बच्चा मेरे को कॉपी पे फोटो खींच के भेजेगा ना कि मैम मैंने ये करा था, मेरा ये गलती हुई, उसी को डाउट बताऊंगी। और जो रैंडमली बोलेगा ना क्लास में मैम ये नहीं हुआ था ये नहीं हुआ था, उसको डाउट नहीं बताने, मेरे को कैसे पता चलेगा उसने किया भी है या ऐसे किया, ठीक है ना? यस मैम। क्योंकि आपको पता है मैं कंडीशनल टीचर हूँ, मेरे को आप अगर एफर्ट करोगे तो मैं पढ़ाऊंगी। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को करो, मुझे बताओ आंसर। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन वंश का आंसर आया ए। बाकी सब वंश के साथ एग्री हो? मेरा भी ए ऑप्शन। ओके आदित्य का भी ए। ये एनर्जी देख के मेरे को अच्छा लग रहा है, जाने की ये सब बच्चे 80 में से 18 को स्कोर कराना पड़ेगा। चलो चलो फटाफट बताओ, सब ए से एग्री है? यस मैम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करवाने की जरूरत है या मैं नहीं आगे बढ़ू? करा दो मैम, एक बार नोट्स में हो जाएगा। ओके तो भाई अगर आपको करना है तो आप देखिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे डी वाई अपॉन डी एक्स। आप देखिए सबसे पहले आप इससे मिले, इसका फंक्शन आपको कहता है कि वन अपॉन जो भी है, क्योंकि आपको याद होगा टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? तो आप जब इसको करोगे बोलोगे वन प्लस ई की पावर टू एक्स उसका स्क्वायर, फिर इसका दोबारा से, क्योंकि मीटिंग तो सबसे करनी है, ई की पावर टू एक्स फिर टू एक्स का दोबारा से, तो फाइनल आंसर कैसा दिखेगा, ई टू ई की पावर टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस ई की पावर फोर एक्स। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम, मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है। आप रीज्वाइन करो, जिसको नहीं शो हो रही आप रीज्वाइन करो। तो भाई क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, बड़े आगे? यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। देखो रिलेशन फंक्शन आप किसी भी बोर्ड में हो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन का आएगा ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, और एक क्वेश्चन आपको तीन या चार नंबर में सब्जेक्टिव में भी आएगा, और एक क्वेश्चन आपको जेई में भी आया था रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के बेस्ड, हर पेपर में आया। चलिए टेक योर टाइम, दे रही हूँ 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से सॉल्व करके बताइए। बोलिए। ऑप्शन मैम, ऑप्शन ओके। तो भाई कोई वंश के साथ एग्री है? मैम मेरे को बी लग रहा है। ओके आपको बी लग रहा है। क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बना? देखिए बच्चे आपको जो रिलेशन डिफाइंड है ना, सबसे पहले बताओ रिलेशन क्लियर होता है आपको, होता क्या है, मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई जो भी रिलेशन है ठीक है,
चाहे आप उसको सिमेट्रिक चेक करो, रिफ्लेक्सिव करो, ट्रांसिटिव करो, जब ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास एक इंटीजर वैल्यू देगा, तभी आप बोलोगे ना कि भाई हाँ वो मेरा रिलेशन है, एग्री करता है वो। ठीक, तो सबसे पहले आपने रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? मेरा मेरे से रिलेशन, ए रिलेशन टू ए। तो यस आपके मैम। पास ए स्केयर माइनस 7 ए स्केयर प्लस 6 ए स्केयर बना, जो कि भाई 0 के बराबर है। तो ये तो एक इंटीजर को बिलोंग करता है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है बच्चों, यस मैम। अब दूसरी बात मैं चेक करूंगी, सिमेट्रिक। अब देखिए, सिमेट्रिक के लिए आपने बोला कि अगर ए रिलेशन टू बी था तो आपने बोला ए स्केयर माइनस 7 ए बी प्लस 6 बी स्केयर इज इक्वल्स टू 0। अब जब बी रिलेशन टू ए होगा तो आपके पास, दूसरे कलर में लिख रही हूँ, बी स्केयर माइनस 7 ए बी प्लस 6 ए स्केयर। भाई ये तो 0 नहीं आ रहा ना, वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो। वैल्यू निकाल लीजिए ऊपर से। किसकी वैल्यू निकालोगे? 7 ए बी की निकाल लो। 7 ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए स्केयर प्लस 6 बी स्केयर। यहाँ पे पुट करिए तो बी स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस 6 बी स्केयर प्लस 6 ए स्केयर। तो बच्चा पार्टी, आपके पास कितना बना? आपके पास बना माइनस 5 बी स्केयर प्लस 5 ए स्केयर। दैट मीन्स आपने बोला 5 कॉमन, ए स्केयर माइनस 20 स्केयर। क्या बात क्लियर है? यस मैम। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि भी ए रिलेशन टू बी तो 0 दे रहा है, लेकिन बी रिलेशन टू ए तो 0 नहीं दे रहा। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट ना? यस मैम। तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये सिमेट्रिक तो है नहीं, इसका मतलब जो भी मेरा रिलेशन है वो मुझे आंसर क्या दे रहा है? कि मेरा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, बट वो सिमेट्रिक नहीं है, राइट और नॉट? यस मैम। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर ना? ट्रांजिटिव क्यों नहीं चेक किया? दिमाग चलाया मैंने, क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। हाँ, उसने बोला कि जो ट्रांजिटिव है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन मेरा रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी है, तो ये कंडीशन तो पहले ही खत्म हो गई। क्लियर बच्चों? यस मैम। यस मैम। ओके, बड़े आगे। यस मैम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिबल। यस मैम। तो ऑप्शन डी आंसर आया केशव का, बाकी बताइए। हाँ सी ओके बी ओके, लो जी, बी सी डी। ए भी है किसी का? हाँ, मैंने बी बोला मैंने वही तो बोला, बी सी डी। ए है डी किसी का? अब देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है आपके, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाले नहीं होते भाई। सोचो कैसे करोगे, बहुत ही आसानी से करना था। ए तो दे रखा है, आपको क्या करना था? 4, अगर सोचू तो 2 i, तो 4 माइनस 2, 2 माइनस 1 -0 और 1 माइनस 2, ऐसा ही किया होगा। फिर इसको मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 3 से, 2 माइनस 1, 1 माइनस 3, कुछ ऐसा ही बना बच्चों। यस मैम। तो देखिए, किसी को परेशानी है तो बता दीजिए, कुछ ऐसा बना और ये आपके पास 1 2 -1 -2, कुछ ऐसा ही दिखा बच्चा पार्टी। किसी यस मैम। को भी डाउट?
नो मैम, मैम अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये टी से सबको आता है, तो 2 माइनस 2, फिर आपके पास 4 माइनस 4, -1 + 1, और आपके पास -2 + 2, तो भाई ये मेरे पास सब 0 0 0 0 आ रहा है, तो भाई केशव का आंसर करेक्ट था। दैट्स ग्रेट, क्लियर है सबको? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? यस मैम, यस यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यस बच्चों, डन। हम ये करते कैसे चेक इसका डेरिवेटिव निकाल के? हाँ जी हाँ, सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए, तो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो आपके पास बनेगा 3x² + 12x, राइट? इसको 0 के बराबर करेंगे तो आपके पास 3x कॉमन, तो x + 4 = 0, तो या तो x 0 आएगा या फिर -4 आएगा। यस मैम। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, -4 0, यहाँ से बेबी कर्व मेथड लगाइए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक? क्वेश्चन यस मैम। ने पूछा इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग कहाँ पे है जहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो -∞ से -4, यूनियन 0 से इंफिनिटी। क्या बात क्लियर है यस मैम, सबको? क्लियर है यस ये? मैम। आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में। मेरा मैम मेरा ठीक है। ठीक है जी, तो जाने की ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। एंड बच्चे मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया मेरे एंड पे लाइट नहीं है, बाई चांस अगर क्लास ऑफ हो जाती है तो मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है जी? यस मैम। ठीक है ना, अभी तो चल रही है, बाई चांस अगर इंटरनेट ऑफ हो जाता है देन इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है क्लास कंप्लीट हो जाए। चले आगे, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी बोलिए। हाँ मंडी ओके, तो सबका डी आ रहा है। यस मैम। लेट्स चेक। अब आपके पास है द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -√3। आपको क्या, आपको याद होगा कि कॉट जो है वो कौन सा फंक्शन होता है, आपको ये याद है ना? सीकेंट कॉस है ना, कॉस, और जो आपके पास कॉट है इन तीनों के साथ पाई की बारात लगती है, पता है ये बात यस मैम। है ना? तो अगर आपको याद है कि भाई पाई की बारात लगती है, तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स पॉजिटिव √3 दे देगा, तो पाई माइनस ये कब होता है 30 डिग्री पे, जाने की पाई बाय 6 पे, तो आपका आंसर 5π/6 आ जाएगा बच्चों। क्या सबको बात क्लियर है? ध्यान में रहेगा, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये आपने लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी है? यस मैम।
अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन तो आपको मैक्सिमम मार्क्स में आएगा, जो भी 3 या 4 नंबर का आएगा आपको। और एक 1 मार्क में आएगा। तो मतलब कैसे करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स द फिजिबल रीजन ऑफ दिस, अगर उसके कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी कि अगर मैं इसको ग्राफ को प्लॉट करती तो कुछ ऐसा दिखता ना, ये मेरे पास कोई भी एक रीजन है 11x + 7y और इसके कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप कैसे चेक करोगे, ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत है या नहीं? मैम ग्राफ जरूरत जरूरत है या नहीं? यस नो? नो मैम नो, क्योंकि अपन को क्या चाहिए होता है, ग्राफ से भी अपन कॉर्नर पॉइंट्स ही निकालते हैं ना। एवरीवन बोलिए, 80 में से 80 लाने हैं तो 0.3 पुट करिए, तो भाई 0.3 पे जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 21 आ रही है। 3.2 पे कितनी आ रही है, 22 + 14 यानी कि 36, राइट? अरे 33, ओ माय गॉड, 47, राइट? 47 आ रही है। ओके, तो 0 और 5 पे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 35 है, तो मिनिमम जाने की सबसे कम वैल्यू 0.3 पे आ रही है, तो कितनी आ रही है बच्चे, 21। क्या कहते हो? यस मैम। तो सबका क्वेश्चन खत्म, किसी को भी डाउट? LLP तो बड़े दिनों के बाद देखी होगी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कैसे करेंगे, कोस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, क्या साइन में कन्वर्ट करेंगे ताकि साइन इनवर्स से साइन कट जाए। ओके भाई, मेरे को तो एक आइडेंटिटी दिमाग में आती होती है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स जो है वो पाई बाय 2 होता है, क्या कहते हो? तो क्या मैं सीधा इसको पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स, कॉस, अब कॉस का भी भाई बड़ा पंगा है, इसको पाई 0 से पाई के बीच में चाहिए, राइट? तो इसको मैं 2π प्लस क्या करूं, 3π/5 कर लूं, चलेगा? यस मैम चलेगा। और सबको पता है भाई कॉस में मतलब पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जहां पे 2π दिख जाए वो काट दो, उसका कोई लेना देना नहीं है, क्या कहते हो? इवन मल्टीपल आ जाए, एग्री? तो मतलब ये दिखेगा कैसा, ये दिखेगा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 3π/5। अब ये 3π/5 तो इसकी रेंज में है, तो पाई बाय 2 माइनस 3π/5 ऐसा सोचना था, 10 LCM आना था, 5π - 6π यानी कि -π/10 आपका करेक्ट आंसर है। कितने लोगों का सही है, ऐसा सोचा या कुछ और सोचा था? हम जैसे कॉस को साइन में नहीं कर सकते थे कन्वर्ट? कर सकते थे, आपने सोचा कि वो 90 माइनस कर लेते है ना? यस मैम, वैसे करके वैसे भी कर सकते थे, एक बार उस मेथड से भी करना, मतलब वो मेरा प्रेफरेबल मेथड नहीं है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैं सही में बताऊं तो मैं आपको करके बताती। आपने बोला साइन इनवर्स, आप इसको लिखते ना 13π/5, पहले तो आपको उसको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इसको साइन लिखूंगी तो ये 90 माइनस कितना लिखूंगी, यही एंगल बने, बात समझे? यस मैम। तो सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू देखनी होगी, सबसे पाई बाय 5 कितना होता है, 180 / 5 किसके बराबर होगा, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, 36। तो 36 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखना कितना बन रहा है, क्वाइट लेंथी जाएगा ना, 468। कितना कितना बन रहा है बच्चे, 468, कुछ ऐसी टर्म वैल्यू आई थी आज, हाँ जी ऐसा ही बन रहा है। यस मैम। तो आप इसको लिख लीजिए 360 + 108, राइट? ये तो गया, फिर आप लिखोगे साइन को, साइन को जब आपने लिखा तो आपके पास बनेगा 108 यानी कि 90 + 18 degree, क्या आप लिखा? यस मैम। अब सेकंड, अब आपके पास बन रहा है साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या मैंने सही लिखा है?
108 नहीं है? तो 90 प्लस 18 180 आएगा। यस मैम। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव आंसर देगा, आपका तो नेगेटिव आ रहा है भाई, क्या कहते हो? फाइव टू द 10, 10 प्लस 3, 13 पाई। हमारा दोनों में आंसर तो 18 डिग्री आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पड़ रहा है, एक बार चेक करो। तो आपके पास बना 3π/5, 3π/5 को आपने देखा तो ये 36 ना। अरे भाई, ये आपका पाई से ज्यादा बढ़ रहा था ना, भी एंगल ज्यादा हो रहा है? नहीं, 3π/5 पाई से ज्यादा हो रहा है या नहीं? मुझे तो सिर्फ 0 से पाई के बीच में चाहिए, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा, क्या कहते हो? इसको क्या लिखूं, पाई माइनस 2π/5 लिखना चाहिए था, राइट? यस सेकंड मैम। क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा, माइनस इसको फिर से फर्क डाल देगा, क्या कहते हो? सही बोला, कॉस इनवर्स के पास माइनस आएगा तो कहाँ जाएगा वो? माइनस क्या कॉस बोलो बोलो बोलो। पाई आ जाएगा मैम, उसके पास माइनस होगा। हाँ, माइनस के पास पाई आ जाएगा, तो आपके पास कितना बनेगा? आपके पास बन जाएगा, आप इसको बोलोगे भाई माइनस 2π/5 दे रहा है तो माइनस उसका खत्म, तो माइनस पाई प्लस 2π/5 कुछ ऐसा दिखेगा, तो आपके पास माइनस पाई बाय 2 प्लस 2π/5। अब जब आप एलसीएम लोगे 10, तो आपके पास -5π + 4π, तो आपके पास -π/10 आंसर आ रहा है, क्या कहते हो? सही बोलो, ठीक है जी, क्लियर है? तो हैरी केशव, जिन बच्चों को था, मतलब बेस्ट वे यही है कि इनवर्स का क्वेश्चन इनवर्स में जाके करो, ठीक है? यस अदरवाइज वो ट्रिग्नो में थोड़ा सा आपको क्योस करेगा, क्लियर? -π/10 ही आ रहा है। चलिए, मैम। अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है वो जो सिमेट्रिक भी हो, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो? क्या सोचते हो? जीरो हाँ, क्यों सोचा ऐसा? मतलब क्योंकि मेरे पास क्यू सिमेट्री के लिए कंडीशन होती है बच्चों। क्या कंडीशन होती है अंकिता जी, वंश, अंकिता, दिव्यांशु? मैम, वो माइनस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग मैंने पढ़ा है कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज 0, क्या कहते हो? याद आया कि कोई भी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है आयुष, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हनुमान जी 0 होते हैं हमेशा। अब अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसका तो हो ही नहीं सकते 0, फिर वो डायगोनल ही नहीं रहेगा, क्या कहते हो? सही है ना? यस स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती, तो मतलब 0 मैट्रिक्स ही होगा, क्लियर? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी आती होगी, सबको याद होगी, मैंने करवाई थी मैट्रिसेस में। क्या प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, किस किस को याद है? हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2, 1। n-1 ना। अब यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3, उसकी पावर -1, तो -5 की पावर 2, तो कितना आंसर आना चाहिए बच्चों? क्लियर सी ऑप्शन। है? हाँ जी, किसी को भी डाउट है? क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है,
कैसे करेंगे? ठीक किसी को याद है मैक्सिमम मिनी का क्वेश्चन कैसे करते थे? मैं मेथड बताऊं, हम डेरिवेटिव लेते थे इसका दो बार। हाँ, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए, वो तो लेना ही होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया? माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, राइट। इसको जीरो के बराबर किया तो माइनस थ्री कॉमन आया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे, कितने आ रहे हैं इसके फैक्टर्स? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, या तो जीरो आ रही होगी, नहीं, या तो माइनस वन आ रही होगी या थ्री आ रही होगी, राइट बच्चों। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो आपके पास आया माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स। अब जब आप एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? माइनस वन पुट करने से ट्वेल्व आ रही है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो। और जब एक्स की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो आपके पास आ रही है माइनस ट्वेल्व, जो कि लेस देन जीरो है। तो उल्टा सोचते हैं ना भाई, जब नेगेटिव होगा तो वो आपको क्या देगा? मैक्सिमा देगा। याद आया? जब मैक्सिमा आएगा तो आपको पता चल गया मैक्सिमा वैल्यू किस पे होगी? थ्री पे। तो इस फंक्शन पे थ्री पुट कर लीजिए, कितना आएगा? तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू थ्री पे कितनी आ जाएगी? माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन, राइट बच्चों। और ये पूरा का पूरा कट रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है? जीरो। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? क्या यही पूछा था क्वेश्चन ने? मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। क्या कहते हो, क्या यही सवाल था? मैम 12 नहीं। हाँ 12 आएगी भाई, कैसे आई बताओ? हाँ जी, क्योंकि आपके पास दो वैल्यूज आई, राइट। तो क्वेश्चन ने पूछा भी ज्यादा से ज्यादा स्लोप कितनी आई, आपने जो सेकंड डेरिवेटिव था उसमें दोनों वैल्यूज पुट करके देख ली, राइट ना? तो आपके पास x की वैल्यू 1 आई, उस x की वैल्यू को स्लोप पता क्या करते हैं? जब आपने ये निकाला ना, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू स्लोप, ध्यान से सुनिएगा, इसमें माइनस सिक्स कॉमन निकाला तो एक्स माइनस वन, जब आपने इसको जीरो करा तो एक्स की वैल्यू आपको पता चल गई 1 आ गई। तो भाई इसको अपनी स्लोप में पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो आपके पास कितना बनेगा? माइनस थ्री प्लस सिक्स प्लस नाइन, ठीक, तो जो कि 12 के बराबर है। तो आपकी स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 12। क्लियर है? ये क्वेश्चन स्लोप का था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप। अगर सिर्फ पूछता मैक्सिमम वैल्यू तो हमने जो मेथड करा था वो निकालते हो, लेकिन क्वेश्चन ने स्लोप मेंशन करी तो आपको स्लोप निकालनी थी, ठीक है? क्लियर? किसी को भी डाउट? मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या स्ट्राइक कर रहा है? किसका क्वेश्चन है ये? इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन था भाई। क्या स्ट्राइक कर रहा है, कैसे करेंगे? मैम जो कॉस स्क्वायर एक्स रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर टी पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर को पुट करना चाहिए? मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है सिर्फ एक्स ई एक्स को पुट करना चाहिए, क्योंकि उसी का डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है। क्या कहते हो? मैम यस मैम, उसका करेंगे बोल टी। एक्स एज इट इज, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, ई एक्स एज इट इज एक्स का वन इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से आपको पता चला ई की एक्स बाहर आया, एक्स प्लस वन डी एक्स किसके बराबर है बच्चों? टी डी टी के बराबर है। क्या कहते हो? अब आपका नया इंटीग्रल कैसा दिखेगा डियर फ्रेंड्स? ये डी एक्स गलत दिख रहा है, ये यहाँ पे होना चाहिए था, राइट। तो आपके पास डी टी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर टी। अब ये तो बहुत आसान है, सीकेंट स्क्वायर टी बन गया, राइट। डी टी सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है डियर? टेन टी, टेन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू आपको पता है एक्स सी की एक्स। क्या कहते हो? क्लियर है सबको? यस मैम।
ठीक है। तो बच्चे ये कुछ क्वेश्चंस हमने करे, ठीक है जी। मैं आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ शेयर कर दूंगी, मुझे एग्जैक्ट काउंट नहीं पता है, बट पार्ट वन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। रेस्ट आप लोग खुद से भी ट्राई करना और मुझे एक बार बता देना कि आपने कितने करे हैं, क्योंकि अगली वाली क्लास में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे विद योर डाउट्स, ठीक है। बट फिर इसमें भी मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन पर आप लोग करके आओगे, ठीक है। यस 5 मिनट्स क्लास टाइम यस कर मैम रही हूँ, क्योंकि मेरी अभी एक और क्लास है दिल्ली में, वो 7 बजे शुरू होनी है, ठीक है बच्चों। यस मैम ओके देन, गुड इवनिंग एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। अगली क्लास में टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। यस मैम ओके।